बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर क्वाइट फाइन। टुडे वी विल गो थ्रू द पोएम द रेन। इट इज़ योर फर्स्ट पोएम एंड दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। विलियम हेनरी डेविस, ही वॉज बोर्न इन 1871 and he died in 1941. Here is a little or brief description of his life. He is actually a Welsh poet. Who is a Welsh poet? Welsh poet or Welsh person is actually the person who belongs to Wales. Wales is the name of the country. So he belongs to Wales. He led his life as a tramp or hobo. और tramp और hobo क्या है? Actually tramp और hobo जो है ये एक travelling worker को कहते हैं, यानी कि वो person जो किसी एक जगह पे fix हो के काम नहीं करता बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे घूम फिर के एक vagabond life गुजारता है। तो ये tramp था या hobo था, इसने मुख्तलिफ जगहों पे घूम फिर के काम किया और सेटल्ड लाइफ इसने नहीं गुजारी थी। तो इसके जो ज़्यादा जो स्पैन गुजरा वो वेल्स में नहीं गुजरा बल्कि ही लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। इसकी जो पोइट्री है उस पोइट्री में जो थीम्स हैं, हिज थीम्स इंक्लूड लाइफ हार्डशिप्स, क्योंकि उसने खुद जो है ज़िंदगी की बड़ी मुश्किलात को देखा था। वो खुद एक ट्रैम्प था, एक वैगाबोंड था, एक होबो था, तो उसे ज़िंदगी की हार्डशिप्स के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस था। फिर उसने ह्यूमन कंडीशंस के बारे में लिखा है एज रिफ्लेक्टेड इन नेचर, कि नेचर में कौन कौन सी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ सकती हैं किसी पर्सन को, या नेचर जो है वो किस तरह से इंसान को मुख्तलिफ सिचुएशंस में टेस्ट कर सकती है, ये भी उसके थीम्स में है। और उसकी जो पोइट्री है उसमें हमें उसके ट्रैम्पिंग एडवेंचर्स मिलते हैं। पहले बताया जा चुका है कि वो एक ट्रैम्प था, तो जो जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए उसने उनको अपनी पोइट्री में बयान किया है। एंड द वेरियस करेक्टर्स ही मेट, और उसकी पोइट्री में बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स भी मौजूद हैं जिनसे वो मिला था अपने इस ट्रैम्पिंग कंपेन में या ट्रैम्पिंग वेंचर में। The rain, I hear leaves drinking rain. मैं सुन सकता हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है कि किस तरह से पत्ते जो हैं वो पानी को पी रहे हैं, बारिश के पानी को पी रहे हैं। I hear rich leaves on top. और मुझे आवाज़ आ रही है कि जो रिच लीव्स हैं, जो अमीर पत्ते हैं, जो घने पत्ते हैं, वो ऊपर हैं, दरख्तों के ऊपर हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, और जो नीचे हैं, बीनीथ का मतलब लोअर, नीचे, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और वो निचले पत्तों को एक एक कतरा करके दे रहे हैं। टिस टिस मीन इट इज अ स्वीट नॉइस टू हियर, तो ये जो बारिश का जो शोर है ये बड़ा खूबसूरत है। These green leaves drinking near, कि ये सारे green color के सब्ज़ रंग के जो पत्ते हैं ये करीब करीब ही एक दूसरे के पास ही पानी को पी रहे हैं, जज़ब कर रहे हैं। अगरचे उनमें डिफरेंस मौजूद है, अगरचे उनमें जो है फ़र्क है कि एक तरफ रिच है दूसरी तरफ पुअर है, लेकिन फिर भी ये ज़िंदगी का शोर पोइट को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कभी इस रिदम को सुने तो आपको जो बारिश की जो जल तरंग है, जो रिदम है, जो म्यूजिक है, दैट साउंड्स रियली अट्रैक्टिव। तो ये इसको आप जरा सुन सकते हैं, सो लिसन इट। सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, And when the sun comes out, और जब सूरज तुलू होगा, निकलेगा,
आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी, अ वंड्रस लाइट विल फिल, वंड्रस मीन्स अ ब्यूटीफुल लाइट विल फिल, तो खूबसूरत रोशनी भरी जाएगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर स्याह गोल कतरे में, तो जो ड्रॉप्स ऑफ रेन है नो डाउट दे आर राउंड, वो गोल होते हैं, तो वो उनके अंदर जो है जब सन रिफ्लेक्ट करेगा तो वो भी चमक उठेंगे। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, और मुझे उम्मीद है कि सूरज जो है वो खूब चमकेगा, इट विल बी अ लवली साइट, और ये बड़ा खूबसूरत मंजर होगा। थीम ऑफ द पोइम, द पोइम इज अ ब्यूटिफुल डिपिक्शन ऑफ द फॉलिंग रेन एंड द लवली साइट आफ्टर द रेन। ये जो पोइम है इसमें बड़ी खूबसूरती से बरसती हुई बारिश को, और उसके बाद जब सूरज निकलेगा, बारिश बंद हो जाएगी, तो जो सूरज निकलेगा उस खूबसूरत मंजर को, दोनों को ही बयान किया गया है। द पोइट हैज सिम्बोलिकली डिस्क्राइब्ड द क्लास डिस्क्रिमिनेशन, तो पोइट ने जो है एक अलामती अंदाज में जो क्लास का फर्क है, जो अमीर और गरीब का फर्क है, उसको बयान करने की कोशिश की है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल, और जो गरीब लोग हैं उनकी मुश्किलात को भी उसने बयान किया है। ही होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, वो उम्मीद करता है कि बेहतर मुस्तकबिल होगा फॉर mankind, ह्यूमन beings के लिए, इंसानियत का मुस्तकबिल बेहतर होगा। वैन देर विल बी प्रोस्पैरिटी फॉर everyone, जब खुशहाली सबके लिए आ जाएगी। दैट टाइम वुड बी रियली इंजॉयबल, तो वो वक्त जो है वो यकीनन इंजॉयबल होगा, उस वक्त सारे लोग खुश होंगे। सो दिस इज द थीम ऑफ द पोइम। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यू नो के यू विल बी गिवन अ 5 मार्क्स क्वेश्चन रिलेटेड टू रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो किस तरह से आपने उसको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस में आपने ऐड करना है दिस स्टैंजा, अगर आपको स्टैंजा कंप्लीट दिया गया है तो आपने वर्ड यूज करना है दिस स्टैंजा, और अगर आपको कुछ लाइंस दी गई हैं, 2 लाइंस 3 लाइंस, तो फिर आप यूज करेंगे दीज लाइंस, तो दिस स्टैंजा हैज, स्टैंजा के साथ हैज यूज करें, दीज लाइंस हैव, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन या दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द रिदमिक पोइम, आपने भी पढ़ा पोइम को, तो जो पोइम है नो डाउट इट्स वेरी रिदमिक, इट्स वेरी म्यूजिकल, द रिदमिक पोइम द रेन रिटन बाय W.H. Davies, कॉन्टेक्स्ट, और पोइम पूरी पोइम का एक ही कॉन्टेक्स्ट होता है, ये आपने जो है समझ लें कि एक तरह से ये सेंट्रल आइडिया है जो कि आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है। द पोइम इज अबाउट रेनफॉल, तो जो ये वाली पोइम है ये बारिश बरसने के मुतल्लिक है, एंड अपेयरेंस ऑफ द सन आफ्टर रेन, और साथ में जो है सूरज जब बारिश के बाद तुलू होगा तो उसके मुतल्लिक भी ये पोइम हमें बताती है। द रेन हाईलाइट्स द डिवीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इनटू द रिच एंड द पुअर, बारिश जो है वो बताती है कि इंसान जो है वो अमीर और गरीब में तकसीम है, ये बारिश हाईलाइट करती है इस पोइम में। द सन अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मीनिंग भी हाईलाइट करना होता है, द सन अंडरस्कोर्स द इक्वालिटी दैट इट प्रोमिसेस टू ब्रिंग विद द स्प्रेड ऑफ इट्स लाइट, जबकि जो सूरज है वो इस अहमियत को बता रहा है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब सूरज की रोशनी हर एक को बराबर मिलेगी और वो प्रोस्पैरिटी का टाइम होगा, वो खुशहाली का वक्त होगा, तो यहाँ पे जो सन है इट स्टैंड्स फॉर द प्रोस्पैरिटी दैट इगैलिटेरियन टाइम। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, इन दिस स्टैंजा और इन दीज लाइंस, अगर आपको कुछ लाइंस दी जाती हैं लास्ट स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में, तो आप इसको लिखेंगे इन दिस स्टैंजा और इन दीज लाइंस, द पोइट हैज डिपिक्टेड द फॉलिंग रेन ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज, तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने जो है किस तरह से बारिश बरसती है दरख्तों के पत्तों के ऊपर, उसको बयान किया है। द रेन पोवर्स डाउन, बारिश नीचे पड़ती है, ऑन द अपर लीव्स प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली का मतलब इन अ लार्ज क्वान्टिटी, बहुत ज़्यादा मिकदार में जो बारिश है वो ऊपर वाले पत्तों को मिलती है, एंड दे आर फुली सोक्ड,
और वो मुकम्मल भीग जाते हैं विद वाटर, पानी के साथ। द वाटर ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम दीज लीव्स, तो पानी जो है वो ट्रिकल डाउन, टपकता हुआ इन पत्तों से, ऊपर वाले पत्तों से, एंड रीचेस द लोअर लीव्स, और निचले पत्तों तक जाता है ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। द पोइट एल्यूड्स टू द कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो एक्चुअली जो शायर का इशारा है वो एक ऐसे मुआशरे की तरफ है जिस तरह के सारी दुनिया में और जो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, यहाँ पे कैपिटलिज्म है, जो अमीर लोग हैं वो एक बिज़नेस लॉन्च करते हैं और जो उसमें वर्कर होते हैं या जो वर्किंग क्लास होती है वो सिर्फ मुश्किल से अपना जो है वो अपनी रोज़ी रोटी ही हासिल कर सकती है। तो पोइट क्योंकि खुद एक जो है वो वर्कर था और वैगाबोंड वर्कर था, उसे पता था एक वर्कर की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसने भी उसी चीज़ की तरफ अल्यूड किया, हमें इशारा दिया है। द पोइट अल्यूड्स टू द कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी विच अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द रिच पीपल बट द वर्कर्स गेट मीगर इनकम ओनली टू मेक बोथ हैंड्स मीट, तो जो गरीब लोग हैं उनको सिर्फ इतना ही मिलता है कि वो मुश्किल से गुजर बसर कर सकते हैं। हाउएवर द साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन इज प्रेज्ड बाय द पोइट, लेकिन शायर जो है वो बरसती हुई बारिश की जल तरंग की तारीफ करता है। परहैप्स द म्यूजिक ऑफ रेन मेक्स हिम फॉरगेट द फीवर एंड फैक्ट ऑफ लाइफ, इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि बरसती हुई बारिश में वो जो जिंदगी के दुख हैं, जो गम हैं, जो मुसीबतें हैं उनको भूल जाता है। इट कैन ऑल्सो बी द एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंस, या ये भी कह सकते हैं कि शायर जो है वो सब्र का मुजाहरा कर रहा है और सब्र की तलकीन भी कर रहा है। जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन कहता है, अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, कि नेचर की जो नेचर का जो तर्ज अमल है उसको अपना लो। हर सीक्रेट इज पेशेंस, कि नेचर का सीक्रेट क्या है, राज क्या है, वो पेशेंस है। हमें पेशेंस के साथ अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी सी बी डी डी, तो जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी डी डी है। और राइमिंग स्कीम क्या होती है जी, जिस तरह हम देखते हैं अभी हमने पोइम में पढ़ा कि कुछ वर्ड जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, कुछ वर्ड आपस में राइमिंग होते हैं, जैसे लीव्स और फ्लीज, स्टॉप ड्रॉप, तो ये क्या है, ये आपस में राइमिंग है। तो हम राइमिंग स्कीम जो है वो इन वर्ड्स की बेस पे बनाते हैं। तो इस जो स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी डी डी है। द पोइट हैज यूज्ड ऑडिटरी इमेजरी इन दीज लाइंस, तो ऑडिटरी इमेजरी क्या होती है, ऑडिटरी का मतलब होता है जिसका तल्लुक हमारी कुब्ते समाज से होता है। तो इमेजरी का मतलब वो अल्फाज जिनके जरिए किसी चीज़ को बयान किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पोइट है उसने ऑडिटरी इमेजरी यूज़ की है, यानी कि ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिनकी बिना पे हमारी कुव्वते समात पे असर होता है। जैसे कि वो कहता है फॉलिंग आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, तो यहाँ पे वो हियर कर रहा है ड्रिंकिंग रेन को, तो वो जो इमेज है वो हमारे जहन पे भी असर छोड़ता है। तो ऐसी इमेजरी को हम बोलते हैं ऑडिटरी इमेजरी। तो ये जो ऑडिटरी इमेजरी है उससे क्या फर्क पड़ा है जी, विच मेक्स द डिपिक्शन ऑफ रेन लाइवली, तो जो ऑडिटरी इमेजरी है उसने क्या किया है जी, उसने इसकी डिपिक्शन को लाइवली बना दिया है, खूबसूरत बना दिया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड स्टैंजा, इन दीज लाइन्स या इन दिस स्टैंजा द पोइट एक्सप्रेसेस हिज होप फॉर अ चार्मिंग सीन आफ्टर रेन, तो एक्चुअली ये मंजर है नहीं लेकिन पोइट इसको इमेजिन कर रहा है। वो समझता है कि जब ये बारिश रुक जाएगी और वो उम्मीद करता है कि बारिश रुकने के बाद जो मंजर बनेगा वो बड़ा खूबसूरत होगा। ही पॉजिटिवली लुक्स फॉरवर्ड अ टाइम ऑफ क्लेमेंट वैदर माइल्ड वैदर प्लेजेंट वैदर, तो वो उम्मीद कर रहा है कि खूबसूरत मौसम जो है वो हो जाएगा बारिश के बाद।
द सन विल शाइन ब्राइटली, सूरज भी जो है वो आबोताब के साथ चमकेगा। द डार्क ड्रॉप्स ऑफ रेन विल बिकम ब्राइट विद द सन शाइन, जब जो है रोशनी पड़ेगी सूरज की तो वो जो स्याह कतरे हैं वो भी जगमगा उठेंगे। द सन सिम्बलाइजेज अ टाइम ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, तो इगैलिटेरियनिज्म इक्वालिटी, तो जो सूरज है वो यहाँ पे इक्वालिटी की अलामत है। एवरी मैन विल लिफ्ट विद द जॉय ऑफ हैप्पीनेस, सारे लोगों की दमक उठेंगे खुशी के साथ। एट द अराइवल ऑफ द सन ऑफ प्रोस्पैरिटी, जो ही जो है खुशहाली का सूरज नमोदार होगा तो साथ के चेहरे खुशी से दमक उठेंगे। जिस तरह शैली कहता है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या अगर मौसम सरमा है तो मौसम जो है वो बाहर नहीं आएगा, यकीनन मौसम बाहर भी आएगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क में इसका काइंडली क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, इफ विंटर कम्स कैन द स्प्रिंग फार बिहाइंड, आफ्टर इट दिस क्वेश्चन मार्क। तो शैली की ये कोटेशन है जी, ओड टू द वेस्ट विंड से ली गई है। द पोइट्स ऑप्टिमिज्म सिग्निफाइज मैन्स एबिलिटी, तो पोइट इतना जो है वो ऑप्टिमिस्ट क्यों है, वो इतना रोशन ख्याल क्यों है, वो इतना होपफुल क्यों है, तो इससे हम समझते हैं कि मैन्स एबिलिटी टू क्रिएट फॉर हिमसेल्फ अ निश ऑफ पॉजिटिविटी इन द फेस ऑफ हार्ड टाइम्स। तो जब इंसान बहुत हार्ड टाइम्स में होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हालात से गुजरता है, तो उस वक्त उसकी होप जो है वो बढ़ जाती है। जो बहादुर लोग होते हैं वो उम्मीद से काम लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इंसान के अंदर एक ऐसी स्पिरिट मौजूद है जो उसको होप की तरफ लेके जा रही है, और पोइट उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगरचे हालात मुश्किल हैं लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सूरज तलू होगा और सारे इंसान जो है उस खुशहाली के सूरज से लुत्फंदोज हो सकेंगे। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी डी 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 पिछले स्टैंजा की तरह की ही है। द स्टैंजा कंटेन्स विजुअल इमेजरी, पिछले स्टैंजा में ऑडिटरी इमेजरी थी, यहाँ पे जो इमेजरी है यहाँ पे वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे अपेयरेंस ऑफ द सन है, क्लियर वेदर है, और या क्लाइमेट वेदर है वो हमारी आंखों के सामने झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। एज द पोइट डिस्क्राइब्स द डार्क ड्रॉप्स फिल्ड विद ब्राइट लाइट, क्योंकि यहाँ पे पोइट ने यही इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है कि जो डार्क ड्रॉप्स हैं वो किस तरह से रोशनी से भर जाएंगे। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं इस पोइम के लिए, इनको नोट कर लें और इनके आंसर्स लिख लें, तैयार कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट हियर, सेकंड क्वेश्चन व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द स्वीट नॉइज, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, व्हाट मेक्स द सीन लवली, what is meant by the rich leaves in the poem, what do the poor leaves stand for, write the theme of the poem.